आयन कोलीवाड़ा एंड टॉप हिल की कार्य सम्राट नगर सेविका पुष्पा कोली ने अपने क्षेत्र में एक रैली का आयोजन कर देश की आजादी के लिए अपनी शहादत देने वालों की याद दिलाई। याद करो कुर्बानी, यह स्लोगन लेकर संगम नगर शांति नगर से शुरू हुई इस रैली को लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। इसमें दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष हुकुमराज मेहता सहित कई स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज आज़ादी के 75 साल है जो हमारे कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। आज़ाद मुल्ला हो, गांधी जी हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, नेहरू हो, जितने लोग हैं उनको आज जरा याद करो कुर्बानी करके जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि लोगों ने कितना बलिदान दिया, अपना देश स्वतंत्र किया, जबकि अंग्रेजों ने एक सुई भी नहीं था यहाँ पे रखा था। जो हमारे कांग्रेस ने सुई से लेके आज तक 70 साल में जो बनाया और जो अभी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए, लोगों की आंखें खोलने के लिए हमें जरा याद करो कुर्बानी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हर इधर कर रहे हैं। हमारी सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, उन्होंने भी किया है, उन्होंने आदेश दिया है ऑल इंडिया में ये प्रोग्राम चलना चाहिए। हमारे मुंबई अध्यक्ष है भाई जगताप जी है, उपाध्यक्ष सफरा जी है, उन्होंने आदेश दिए कि हर अपने अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करो कि हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है और आज वो देश को 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग निकाला है जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। अभी यहाँ से संगम नगर से ऐसे ही हम रैली निकालेंगे बजाते वगैरह खुशी से। वो दीनबंधु नगर से गणेश नगर करके हम आरजी गायकवाड़ से निकल के हम कोरबा तलक जाने वाले, क्योंकि मेरे दो वार्ड अलग अलग आए हैं तो इसलिए मुझे को ऐसा करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि काम के ऊपर भी है, नगर सेवकों के भी ऊपर है जो मैं काम कर रही हूँ, इसलिए लोगों का प्यार बरस रहा है और लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे और आगे आ रहे। जरा याद करो कुर्बानी, वो दिन पाने के लिए कितनी हमारी बहनें, कितने माताओं की गोद खाली हो गई और वो गोद खाली कर आजादी की लड़ाई शुरुआत किसने की, आजादी देने का काम किसने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में हरी क्रांति लाने का काम किसने किया, कांग्रेस ने किया। देश में रोजगार लाने का काम किसने किया, कांग्रेस ने किया। देश के अंदर आज पैतारण जैसा झील, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते तो आज मुंबई वाले लोग पानी पीने का पानी नहीं होता। पैतारण जैसे वाटर पॉन्ड का इतना बड़ा काम जो कांग्रेस ने किया, चार प्रपोजल पॉन्ड के गए, ये बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और 2034 के बाद में लोगों को अगर वो चार पॉइंट नहीं बनाए तो 2034 के बाद में मुंबई शहर में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कांग्रेस एक दूरदृष्टि पार्टी है, वो हमेशा विचार करती है। आज हम लोगों के बीच में जाके ये कहने वाले हैं, लोगों को समझाने वाले हैं कि ये 15 अगस्त पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक महान व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, और ऐसे नेताओं को हम याद करने के लिए आज हम जन जागरण रैली कर रहे हैं और जिसमें देश की जो कुर्बानी को याद करने के लिए हमारे भाई जगताप जी के डायरेक्टिविटीज में, चरण सिंह सपराया जी के डायरेक्टिविटीज में, पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस की डायरेक्टिविटीज के ऊपर आज हम लोग पूरे कार्यकर्ता लोगों को जाके याद, जरा याद करो कुर्बानी का नारा लगाएंगे, भारत माता की जय कहेंगे और देश का हम सब एक का नारा लगाकर हमारी रैली शुरू करेंगे। देखो आपको एक बात बताऊं, ये जो भी लोग आए हुए सब हमारे कार्यकर्ता हैं जो पुष्पा कोली जी को मान रहे हैं, उन्होंने जो इस वार्ड के अंदर जो काम किया है, मुंबई के जो नगर सेवकों में अच्छा काम करने में अगर 10 लोगों की गिनती होगी तो उसमें एक नगर सेविका पुष्पा कोली की भी गिनती है।
आज इसलिए मैंने 3 रैलियां, आज 4 रैली हमारी और चल रही है जिले के अंदर। मैं चारों रैलियों को छोड़ के पुष्पा कोहली जी की रैली में है, क्योंकि यही हमारी कांग्रेस की वापस उम्मीदवारी है और यही हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार है जो मुंबई महानगर पालिका में वापस राज करेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी, चरण सिंह सप्रा जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनके आदेश पे आज 75वें वर्ष के मौके पर ये आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। और महोत्सव हमारी नगर सेविका कार्य समन्वय नगर सेविका उनके जरिए ये महोत्सव निकाला जा रहा है। यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा प्रोत्साहन है, लोगों ने अच्छा साथ दिया है। ये रैली का मकसद सिर्फ यही की है कि हमने आज़ादी ऐसे ही नहीं हासिल की, आज़ादी के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है, हमारे शहीदों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। आज जो कह जाए आज ये कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को फुला फलाया, हर चीज़ कांग्रेस ने इस देश को दी है। आज़ादी के मानी ये है कि हमने ये आज़ादी ऐसे हासिल नहीं की, लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत से लोगों का बलिदान है इसमें। ये सबको लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये हम ये रैली निकाल रहे हैं कि लोगों तक हम लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को समझा सकें कि आज़ादी का मतलब क्या है और आज़ादी हमें किस तरह मिली। और आज हमें 75वें वर्ष मना रहे हैं, ये हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हमारी पुष्पा जी कोहली इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, हम सब उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज 75 ईयर अपने देश को हो चुका है और जो ये आज़ादी बनाई जा रही है इसके लिए तो हर कोई वेलकम है। और हमारी नगर सेविका जो महानगर पालिका से जीत के आई हुई है चुनाव में पुष्पा कोहली, उसने बहुत अच्छा 5 साल में रिजल्ट लाया और बहुत अच्छा माहौल बनाया। वो सारे लोग देख ही रहे हैं, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है किसी को, जो काम करता है वो ऑलरेडी दिखता है। और जो अपने देश की आज़ादी जो भी रूल्स है वो फॉलो करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, हम सब साथ देंगे। जय हिंद जय। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के युवा को अपने को बताना है कि जो कुर्बानी कांग्रेस की तरफ से हुई थी पिछले 70 सालों में, जो कि आज की मोदी सरकार, जो खाली फेकू मोदी सरकार है, तो उनको बताना चाहिए कि कांग्रेस ने कितना विकास किया है और कितना कुर्बानी दिया है कांग्रेस के नेताओं ने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए आज के युवा को अपने हमको जागरूक करना है। तो ये मामी ने रैली रख के बहुत अच्छा काम किया है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।